सत्यपाल मलिक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिनको आजकल राजा हरिश्चंद्र कहा जा रहा है, तब तो उनकी जुबान नहीं खुली थी जब वो मलाई खा रहे थे। सत्यपाल मलिक को एबीपी न्यूज़ बुलाए नहीं निकला और एक इंटरव्यू करे। ना ना ना, मैं मोदी पर आरोप लगा रहे हैं तो रूबिका लियाकत जाकर इंटरव्यू करे। नहीं सर, मैं आपके खेल में नहीं फंसने वाली हूँ। आप सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करा नहीं करूंगी सर मैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपके कहे पर नहीं। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है कि सत्यपाल मलिक को जो आरोप लगाना है वो लगाएं, लेकिन हम सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू नहीं करेंगे। इससे बड़ी बेहयाई और क्या हो सकती है कि रूबिका को सत्यपाल मलिक पर बात करना उसे विपक्ष का खेल लगने लगे। इससे बड़ी नंगाई और क्या हो सकती है कि रूबिका भाजपा के खेल में चक्कर घिन्नी की तरह नाच सकती है, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल इरम। मुद्दे भटकाने के लिए यूं तो गोदी मीडिया के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन दरबारियों की दलाली में दखल वो मुद्दा बना हुआ है जिनका नाम सत्यपाल मलिक है। जी, वही सत्यपाल मलिक जिन्होंने पुलवामा के मामले पर सत्य का ऐसा दावा किया है कि पाले हुए चाटुकार मालिक मालिक चिल्ला रहे हैं। वही सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के राज में एक दो नहीं बल्कि चार चार राज्यों के गवर्नर रहे, लेकिन किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के खिलाफ आंखें ऐसी तरेरी कि आज तक बीजेपी सत्यपाल मलिक की आंखों में झांक नहीं पा रही है। अब तक जो बीजेपी के गले के फांस बने हुए थे वो सत्यपाल मलिक अब गोदी मीडिया के लिए भी सिरदर्द बन चुके हैं, और वो भी इतना गंभीर सिरदर्द कि गोदी की पत्रकार को अब खुलकर सामने आना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि हाँ, हम गोदी मीडिया वाले हैं और हम सत्यपाल मलिक को कोई मंच मुहैया नहीं करवाएंगे। अब देखिए कि सत्यपाल मलिक नामक जाल में एबीपी न्यूज की मछली रूबिका लियाकत को कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कैसे फंसाया कि रूबिका खुद अपने मुंह से स्वीकार कर बैठी कि उनके अब्बा सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेने के लिए नहीं मानेंगे। तो हुआ यूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपने समय में एबीपी न्यूज के लिए न्यूज आखिर है क्या इस पर बात करते हुए कहने लगे कि एबीपी का एजेंडा अतीक अहमद और अफजाल अंसारी की पत्नी है, लेकिन इस देश के जवानों की शहादत नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एबीपी न्यूज अब तक सत्यपाल मलिक के यहां पहुंच चुका होता और उनसे उनके दावे पूछकर सरकार से सवाल कर रहा होता, लेकिन चूंकि एबीपी ऐसा नहीं कर रहा है तो इसकी वजह आखिर क्या हो सकती है, ये साफ है। आलोक शर्मा का इतना कहना था कि रूबिका के तेवर पहाड़ से उतरकर फौरन ही बेशर्मी के गटर में कूद गए और कहने लगी कि वो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं लेंगी और इसके लिए कांग्रेस या कोई भी उन्हें अपने खेल में फंसा नहीं सकता। मतलब ये कि रूबिका को शहीदों की शहादत पर उठाए जा रहे सवाल मजाक और इतने गंभीर आरोप खेल लगते हैं जिसे जैसे और जब रूबिका के हिसाब से खेला जा सकता है। तो गोदी मीडिया का वजूद ही इस बात में है कि जैसे ही उसके आका उसे दिन को रात कहने को कहते हैं, उसे दिन को रात और रात को दिन कहना ही पड़ता है, और यही बेबसी ही गोदी मीडिया की परेशानी है। और ये परेशानी कतई भी थोपी नहीं गई है, बल्कि ये सब कुछ गोदी मीडिया वालों ने खुद सरकार के पैरों में लौट कर हासिल किया है। इसलिए तो इतनी बेशर्मी के साथ रूबिका जैसी गोदी मीडिया एंकर ये बोल पाती है कि वो किसी खेल में नहीं पड़ने वाली, और सत्यपाल मलिक भरे कितने भी विस्फोटक खुलासे क्यों ना कर दें, वो उनके सवालों और दावों को तवज्जो नहीं देंगी, क्योंकि गोदी मीडिया का जो खेल है वो जीता ही सत्यपाल मलिक पर सवाल उठाकर जा सकता है। क्योंकि अगर इस खेल की रणनीति बदल दी तो गोदी का वो खेल खराब हो जाएगा जो वो पूरी ढिटाई के साथ पिछले 8-9 सालों से खेलती आ रही है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब एक विपक्षी प्रवक्ता ने अंजना से सत्यपाल मलिक के आरोपों पर बात करने की चुनौती दे दी थी तो अंजना ऐसे भड़क गई थी जैसे लाल कपड़े को देखकर एक जानवर भड़क उठता है। अंजना ने अपनी बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी थी और विपक्ष से ही मलिक के आरोपों पर सबूत मांगने लगी थी। वो लाइव शो में ये कहने लगी थी कि वो बिना सबूत के कोई बहस नहीं करती हैं, लेकिन आप तो जानते हैं अंजना जैसो के खोखले दावे की असली सच्चाई। जब ये आर्यन खान की ड्रग्स पर बहस कर रही थी तब इनके पास कौन सा सबूत था? सच्चाई ये है कि ये सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करती हैं जिन मुद्दों को उछालने का आदेश ऊपर से आता है। तो रूबिका लियाकत और बाकी गोदी मीडिया द्वारा सत्यपाल मलिक को दरकिनार किए जाने की संगठित साजिश पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।